गुड मॉर्निंग श्रावणी, गुड मॉर्निंग आदित्य मयेकर, गुड मॉर्निंग सार्थ, गुड मॉर्निंग ईशा, गुड मॉर्निंग पृथ्वीराज, गुड मॉर्निंग अदिति, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब देखो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल आपके सुचित्रा गुड मॉर्निंग, कल जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे, कल जो क्वेश्चंस थे उसके डाउट पूछो मुझसे। अब कहां पे आपको दिक्कत आई वन बाय वन, जिसने सॉल्व किए उन्हें दिक्कत आई होगी जरूर, तो वन बाय वन क्वेश्चंस जहां पे आपको दिक्कत आई उसे पूछो मुझे। ओके, यू सॉल्व्ड, वेरी गुड ईशा। और कोई ऐसा है जिसको दिक्कत आई? ओके, IF7 अकॉर्डिंग टू मनाली। देखो IF7 कैसे करेंगे, ICL5। ICL5 में देखो क्या होगा, हाँ ICL5, ठीक है यही था। अब इसमें देखो मैंने आपको लॉन्ग टर्म से ही बता रहा हूं, पहले ओके तो देखो इसके बाद देखो वन बाय वन इसका, फिर मैं आपको वही बताऊंगा SO3 वाला। पहले देखो ICL5 बता देते हैं। आई का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो सेंट्रल एटम कौन है इसमें, सेंट्रल एटम इज आई। आई के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आई इज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ वेरी गुड इच्छा, 7। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जेड इज इक्वल टू क्या होता है, जेड इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस जितना उसमें प्लस चार्ज है, प्लस जितना उसमें माइनस चार्ज है। तो आपको अटपटा सा लगेगा, इसमें कुछ नहीं है तो इसे हम हटा देते हैं, फिलहाल कोई इसमें चार्ज नहीं है तो ये हट गया, इसमें सिर्फ आएगा प्लस, हाँ वेरी गुड इच्छा, राइट है, प्लस जितने नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम है। मोनोवेलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी 1 है, तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम डिवाइडेड बाय 2 यानी 1/1। हाँ पार्थ बिल्कुल सही कहा आपने, ये 1/1 आगे से लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसे 1/1 चलो बाहर से ही लगा दिया, अब यहां से कितना होगा 1/2, ये है 7+5, 7+5 14 नहीं होता, ठीक है 1/2 × 12 होता है, तो क्या होगा 2 6 12, तो कितने हो गए 6, तो जेड इज इक्वल टू 6 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, लोन पेयर, तो लोन पेयर के लिए क्या बताया था आपको, जेड माइनस सराउंडेड एटम, जेड की वैल्यू है 6 एंड सराउंडेड एटम हो गए 5, तो 6 − 5 = 1 यानी लोन पेयर 1 एंड बॉन्ड पेयर इज 5। अब बताओ इसका क्या बनेगा, लोन पेयर 1 है एंड बॉन्ड पेयर इज 5, लोन पेयर कितने हो गए, देखो लोन पेयर इज 1 एंड बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर देखो टोटल 6 है, हाँ वेरी गुड अदिति, रुजुल बिल्कुल सही है, पार्थ बिल्कुल सही है। और तो ये हो गया आपका बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 5, तो दैट इज स्क्वायर प्लेनर, सार्थ बिल्कुल सही है, आदित्य मयेकर, तो ये ऐसे सॉल्व करने हैं। तो 5-1 जैसे आपने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को निकाला, अब इसको सॉल्व करना क्या होगा, इट इज वेरी इजी टू सॉल्व, बस आपको टेबल याद करनी है जो आपको मैंने दी थी आयरन वाली, ठीक है। तो 5 bond, ये 5 कैसे आया, देखो जेड इज इक्वल टू क्या होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर इज 1 और टोटल 6 है, तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर इज 5, बॉन्ड पेयर इज 6 − 1 मीन्स 5, ठीक है। तो दिस इज स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर कैसे बनेगा, देखो स्क्वायर बना दो आप लोग, आई को बीच में रख दो, आई 0, CL 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 CL, दिस इज स्क्वायर एंड पिरामिडल का मतलब एक ऊपर चला गया, ठीक है। हाँ वो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला, अब ये देखो दिस इज स्क्वायर पिरामिडल, क्लियर है, एनी डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो।
ये क्लियर हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी फास्ट। SO3 ओके NO3 माइनस ओके ओके दोनों बताता हूं देखो वन बाय वन करके जितने क्वेश्चन है देखो जिसने ट्राई किया होगा उसे दिक्कत आई होगी और जिसको दिक्कत आएगी वो पूछेगा भी, जिसने ट्राई नहीं किया है उसे कहां से दिक्कत आएगी या फिर उसको सब कुछ आता है, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो फिर उसे सब कुछ आता है या फिर इसका वो है रिवर्स। अब देखो SO3 कल बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे मैंने, ठीक है SO3 है जो आपके पास। SO3 में क्या करना है, सबसे पहले देखो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, तो सेंट्रल एटम इज सल्फर, सल्फर इज सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम होगा तो उसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर 6। हाँ वेरी गुड अदिति। अब देखो 6 है फॉर्मूले में लगाओ इसे, जेड इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें कोई चार्ज नहीं है, ना माइनस है ना प्लस है, सबको भूल जाओ, ना मोनोवेलेंट एटम है, ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट एटम क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ऑक्सीजन 2 मींस डाइवेलेंट, डाई मींस 2, तो दिस इज डाइवेलेंट कंपाउंड। तो ऑक्सीजन को हम कभी भी काउंट नहीं करेंगे मोनोवेलेंट में, तो यहाँ पे बाकी कुछ बचता नहीं हमारे पास। अब कितना हो गया देखो 1/2 × 6, तो कितना आ जाएगा आंसर, जेड इज इक्वल टू 3। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या निकालेंगे, लोन पेयर इज इक्वल टू जेड माइनस राउंडेड एटम, जेड कितना आ गया, जेड की वैल्यू है 3। अब इसमें देखो सल्फर के सराउंडेड एटम कितने हैं, 3, तो 3 - 3 मीन 0, तो इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है और तीनों के तीनों क्या होंगे, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0 एंड बॉन्ड पेयर इज 3, तो बताओ क्या बनेगा लोन पेयर। हाँ वेरी गुड आनंद अदिति बहुत बढ़िया, और इसके अलावा ईशा राइट है, अंश गांधी पार्थ अद्वैत फॉर्मूला इज फास्टर देन, हाँ जैसे आपको सही लगता है वैसे आप सॉल्व कर सकते हो, श्रुति बिल्कुल सही है, वैभवी मिसिंग कर दिया आपने, आई डोंट अंडरस्टैंड सोमम, कोई बात नहीं आपको अभी बहुत सारे मौके मिलेंगे समझने के, डोंट वरी। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा 3-0, मैंने आपको कहा है कि जो सल्फर होगा ऑक्सीजन के साथ मैक्सिमम डबल बॉन्ड बनाता है, और 3-0 का मतलब क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल ये देखो डबल बॉन्ड बना दो ऑक्सीजन के साथ, ये है ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल प्लेनर बन गया, देखो दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये बन गया आपका ट्राइगोनल या ट्राइएंगुलर प्लेनर, दिस इज ट्राइएंगुलर प्लेनर, ठीक है। लोन पेयर 0 एंड बॉन्ड पेयर इज 3, ट्राइगोनल प्लेनर, CO का शेप क्या है अभी बता देते हैं, देखो ये क्लियर हुआ पहले, एनी डाउट इसमें किसी को, क्लियर हो गया, किसी को नहीं हुआ दोबारा पूछ सकता हो, वो इसको फिर रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वन क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट वन इज CO, ध्यान रखना अगर कोई भी दो एटम्स होगा, इसे नोट डाल के लिख लो नोट, अगर कोई भी कंपाउंड होगा और इस कंपाउंड में, इसे नोट लिख लो, कंपाउंड में केवल दो एटम है चाहे वो कोई भी होगा, तो उसका शेप हर हमेशा लीनियर होगा, शेप विल बी लीनियर ऑलवेज इफ द कंपाउंड कंटेन टू atoms, then its shape will be linear always, ये ध्यान रखना, ये हर हमेशा चाहे कोई भी हो, चाहे आपने CO लिखा, चाहे आप NO लिखो, चाहे आपने लिखा HF लिखो, कोई भी दो atoms, अगर जो compound है जो इसमें दो ही atom है तो उसका shape fix है linear, उसके पास कोई option ही नहीं बचता है टेढ़े मेढ़े होने का, ठीक है, तो its shape is linear only, चाहे कोई भी हो XYZ, SCL ले लिया मैंने,
एन ओ ले लिया, सी ओ ले लिया, ओ एफ ले लिया, कोई भी कंपाउंड होगा जिसमें दो एटम्स होंगे तो इट सेफ विल बी लीनियर। टू पॉइंट में से सिर्फ एक लाइन पास होगी, हाँ केवल एक ही लाइन पास होगी। अद्वैत यू आर राइट। तो देखो जब भी दो एटम होंगे तो केवल एक ही बॉन्ड बनेगा, मीन्स द शेप विल बी लीनियर। क्लियर है? तो ये बहुत आसान है आपके पास, सीओ एनओ कोई भी ग्रुप हो, क्लियर। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, नेक्स्ट इज एनओ थ्री माइनस, नेक्स्ट पॉइंट इज एनओ थ्री माइनस। कोई भी क्वेश्चन है, मैंने आपको कम से कम 20 क्वेश्चन दिए थे इसमें, तो उसने ट्राई किए होंगे आप लोगों ने, कोई ना कोई कहां पे दिक्कत आई किसी को उसे पूछो मुझे, जहां पे दिक्कत आई है छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। CO3 2 माइनस, ठीक है आदित्य, W क्या है, व्हाट इज W? देखो CO3 2 माइनस, अब इसे बता देते हैं CO3 2 माइनस। अब देखो यहां पे कार्बन, हु इज सेंट्रल एटम, सबसे पहला टास्क क्या है हमारे पास, सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम है C, वेरी गुड पृथ्वीराज, बहुत बढ़िया। तो सेंट्रल एटम हमारे पास C आ गया, C के बाद अब हमको C पे फोकस करना है, हीरो पे करना है बस, विलन को नहीं देखना है, साइड साइड वालों को, ठीक है। ऑलवेज फोकस किस पे, आप लोग जब मैंने कहा था आपको कि कोई डांस प्रोग्राम होता है और उसमें बहुत सारे डांस करते हैं तो आपकी जो निगाहें होती कहाँ होती, केवल जो सेंटर पे डांस करता है ना हीरो के साइड, तो यहाँ पे भी आपको केवल इस सेंटर वाले को देखना है बस। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इज, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, वेरी गुड सार्थ अदिति। अब देखो इसका फॉर्मूला अप्लाई करो फिर, जेड इज इक्वल टू 1/2 आगे कर दो 4, हाँ सार्थ आपने पूरा सॉल्यूशन बिल्कुल सही निकाला है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ 4, अब यहाँ पे माइनस चार्ज है तो माइनस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है, माइनस मीन्स गेन इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हो जाएगा +2। अब इसमें कोई मोनोवेलेंट एटम नहीं है, देखो मोनोवेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 1 होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, मींस ऑक्सीजन इज डायवेलेंट। हाँ पार्थ पाटिल बिल्कुल सही आंसर आपका, सार्थ 4+2, हाँ पृथ्वीराज, तो 4+2 6 में से डिवाइडेड बाय 3 मींस 3। अब देखो इसमें लोन पेयर बताओ कितने होंगे, लोन पेयर हाँ सुचित्रा राइट है, मनाली बिल्कुल सही आंसर है, अदिति बिल्कुल सही है। तो देखो जेड माइनस सराउंडेड एटम, जेड माइनस सराउंडेड एटम, तो जेड भी 3 और सराउंडेड एटम भी 3 क्योंकि ये CO3 है, तो 0। अब बताओ क्या होगा, बॉन्ड पेयर 0 एंड लोन पेयर 3, सॉरी लोन पेयर 0 एंड बॉन्ड पेयर 3, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, वेरी गुड ईशा, आनंद और अदिति, वेरी गुड, ये बिल्कुल टिप्स में आने चाहिए, विद इन सेकेंड आंसर आना चाहिए, रुजुल बिल्कुल सही है, 5 सेकेंड से पहले जिसके आंसर आते हैं बस वही काउंट होंगे, सार पृथ्वीराज बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 3-0 मीन्स ट्राइगोनल प्लेनर, अब ट्राइगोनल प्लेनर अनुजा बिल्कुल सही है, तो कैसे बनेगा देखो, सी एक ओ दूसरा ओ तीसरा ओ, दिस इज ट्राइगोनल। अब 2 माइनस चार्ज है तो कहीं पे भी 2 दिखा दो, 2 माइनस चार्ज, अब जहां पे माइनस नहीं होता मैंने कहा आपको डबल बॉन्ड शो कर दो बस, ये क्या बन गया देखो, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये बनेगा आपका ट्राइगोनल या ट्राई एंगुलर प्लेनर भी कहते हैं इसे, ट्राइगोनल प्लेनर, एक प्लेन में होगा ये जिसमें लोन पेयर 0 एंड बॉन्ड पेयर 3, क्लियर है? और पूछो इसमें डाउट, ये क्लियर हो गया सबका, वेरी गुड श्रुति, ठीक है स्टार्ट। तो यही ध्यान रखना, अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कहीं पे क्वेश्चन नहीं आता आपको समझ में, तो पहले खुद ट्राई करो फिर दोबारा पूछो उससे, तभी आपको आएगा, अदरवाइज क्या होगा नहीं आएगा आपको फिर, अगर आपने मिस कर दिया। हाँ ईशा यू आर राइट, वेरी गुड। पहले देखो एक एक करके बताते हैं, पहले है SF6,
सॉरी XCF6 टेक मोर क्वेश्चंस, तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, डोंट वरी। XEF6, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द सेंट्रल एटम, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट विच वन इज सेंट्रल एटम। हाँ वेरी गुड पृथ्वीराज ईसा, जिनोन इज सेंट्रल एटम, आपको पहले बताया था जिनोन यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। तो सबसे पहला हमारा काम होगा सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करना। सेकेंड वन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जिनोन इज, ये बहुत बार आ चुका है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। अदिति, ईशा, अंश, गांधी, आदित्य, मयकर, राइट है, अदिति, पार्थ, तो 8 हो गया। अब इसका जेड निकालो जल्दी से, जेड क्या होगा, हाँ सार्थ बिल्कुल सही कह दिया आप लोगों ने, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई चार्ज नहीं है ना, प्लस माइनस, अनुजा, पार्थ, राइट आंसर है। अब देखो मोनोवेलेंट, फ्लोरीन इज मोनोवेलेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इज मोनोवेलेंट, कितने यहाँ पे 6, तो हमने क्या किया प्लस 6 कर दो इसे, तो 6, 8 + 6 कितना हो गया 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 मींस आंसर इज 7। हाँ पृथ्वीराज सही है। अब बताओ इसमें लोन पेयर कितने होंगे, हाउ मेनी लोन पेयर आर देयर, फास्ट, सार्थ, अंश, अदिति, बिल्कुल सही आंसर है, श्रुति, जल्दी से बताओ पृथ्वीराज, आदित्य, मयकर, विदुला, रुजुल, आयुष, बिल्कुल सही है। देखो इसके लिए क्या होता है, जेड माइनस राउंडेड एटम, जेड की वैल्यू 7 है, ईसा बिल्कुल सही है, और सराउंडेड एटम 6 है, तो क्या हो जाएगा 7 - 6 मींस 1। अब टोटल, अब देखो क्या हुआ, अगर ये 1 है लोन पेयर तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर इज 6 और लोन पेयर इज 1, तो 6 and 1, तो 6 and 1 7 कहां हुआ, 7 ये देखो 8 + 6, 8 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 6 क्या है मोनोवेलेंट एटम, तो 8 + 6 क्या हो गया 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 मींस 7। अब यहां पे देखो जेड की वैल्यू 7 आ गई, हाँ स्ट्रक्चर में बताता हूं आपको, अब क्या होगा 7 - 6 मींस 1। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसके स्ट्रक्चर के लिए देखो 7 का, हाँ वेरी गुड रुजुल बिल्कुल सही का, इसके लिए पहले आपको क्या करना है, पेंटागोनल बाईप्रिमिडल में जाना है और वहां से करना है। देखो मैंने क्या कहा था, इसमें जिनोन ले लिया आपने, अब इसको पेंटागोनल बना दो पहले, 1, 2, 3, 4 and 5 कैसे भी बना सकते हो आप इसे, पेंटागोनल आपने बना दिया इसको, पेंटागोनल के बाद आपने क्या किया, पांचों के पांचों फ्लोरीन यहां लगा दी, दिस इज पेंटागोनल 1, 2, 3, 4 and 5। अब आपको बोला था बाई पिरामिडल होता है लेकिन एक जगह पे लोन पेयर आ गया, तो यहाँ लोन पेयर दिखा दिया आपने और एक जगह पे आपने फिर फ्लोरीन दिखा दी, इसे कहेंगे पेंटागोनल पिरामिडल, क्योंकि ये काउंट नहीं होगा, तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा पेंटागोनल, पेंटागोनल पिरामिडल, दिस इज पेंटागोनल पिरामिडल। अगर दोनों के दोनों होते तो बाई पिरामिडल, एक है तो दिस इज पिरामिडल, क्लियर हुआ, लोन पेयर इज 1 एंड बॉन्ड पेयर इज 6, तो इसका बनेगा पेंटागोनल पिरामिडल, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्लियर है, कोई डाउट किसी को, एनी डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो मुझसे जल्दी, विदुला वेरी गुड, सार्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको दिक्कत आई है जल्दी जल्दी पूछो मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NH2+, ओके NH2+, आज फिर मैं आपको दूंगा कम से कम 20 क्वेश्चन के आसपास फिर मिलेंगे आपको, सॉल्व करके मुझे कल किसी भी हालत में देने या इवनिंग में। NH2+, देखो NH2+ में क्या होगा, सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन ऑलवेज, हाँ वेरी गुड, अब सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होगा, अब इसमें जेड की वैल्यू निकालो, जेड की वैल्यू क्या होगी 1/2, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, हाँ पार्थ बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5, अब देखो इसमें +1 चार्ज है,
प्लस वन का मतलब इसने वन इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो माइनस वन। अब इसमें क्वेश्चन ही होंगे नहीं अभी, हाँ पहले मैं क्वेश्चन लूंगा आपको आज के, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। अब इसमें टू एटम है तो ये प्लस टू, मोनोवेलेंट, हाइड्रोजन इज मोनोवेलेंट, तो इसका आंसर क्या हो गया, फाइव माइनस वन फोर, फोर प्लस टू यानी सिक्स, और वन अपॉन सिक्स, सिक्स बाई टू मीन्स थ्री। वेरी गुड पृथ्वीराज, तो यहां तक जेड की वैल्यू हो गई थ्री। अब बताओ लोन पेयर कितना आएगा, फास्ट, लोन पेयर इज इक्वल टू वन, अदिति श्रुति ईशा, वेरी गुड। तो लोन पेयर के लिए क्या बताया था मैंने, जेड माइनस राउंडेड एटम, जेड की वैल्यू थ्री, सराउंडेड एटम कितने हो गए यहाँ पे टू, तो कितना आ गया आंसर वन, तो लोन पेयर वन। एंड बॉन्ड पेयर इज, बॉन्ड पेयर कितना होगा, दो बॉन्ड पेयर, वेरी गुड पार्थ आदित्य। अब बताओ शेप बताओ मुझे जल्दी, फास्ट शेप मुझे जल्दी बताओ, वेरी गुड अदिति, अंश गांधी मिस हो गया, अंश अदिति ने सही बताया है, और इसके अलावा वैभवी बिल्कुल सही है, ईशा राइट है, सिद्धि अनुजा बिल्कुल सही, और आनंद राइट आंसर है। देखो आपको बोला था अगर दो बॉन्ड पेयर और वन लोन पेयर का आंसर होगा बैंड शेप, सार्थ बिल्कुल सही आंसर आपका, इसे याद करना आपने, ये टेबल याद होनी चाहिए कि वन लोन पेयर और टू बॉन्ड पेयर का हर हमेशा कैसे बनेगा, बैंड शेप। तो बैंड कैसे बनता है देखो, या वी शेप, एक हाइड्रोजन दूसरा वी बन गया आपके पास, एक लोन पेयर है, लोन पेयर आप ऊपर दिखा दो तो ये बन गया आपके पास क्या, वी शेप, ये प्लस ऐसे दिखा दो, वी शेप जैसा दिख रहा है आपको, या बैंड शेप, बैंड और वी शेप, क्लियर है यहां तक, एनी डाउट, वी और बैंड शेप आर सेम, हाँ दोनों सेम होते हैं, आप वी भी लिख सकते हो और बैंड भी लिख सकते हो, दोनों सेम है। और क्वेश्चंस ये क्लियर हुआ, एनी डाउट जल्दी करो, फिर मैं आपको और क्वेश्चन दे रहा हूं, कोई डाउट है जल्दी पूछो मुझे, कल मेरे पास किसी भी हालत में सारे क्वेश्चन आने चाहिए यहां से लेके लास्ट तक के। अनुजा बिल्कुल, क्वेश्चन बताता हूँ आपको, जो मैं अभी 20 क्वेश्चन दिया मैंने पहले, और जो अभी दूंगा ये पूरे आंसर आने चाहिए मेरे पास कल तक, ठीक है। अब देखो इसमें है Cl F5, इसमें देखो सेंट्रल एटम कौन सा होगा, सेंट्रल एटम इज क्लोरीन, तो क्लोरीन इज सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम इज क्लोरीन, तो सेंट्रल एटम क्लोरीन हो गया। अब इसके बाद देखो क्लोरीन सेंटर में है, हाँ साथ बिल्कुल सही है, आपने किया हुआ है लग रहा है मेहनत काफी, तो यहां देखो सेंट्रल एटम के बाद जेड की वैल्यू निकालेंगे हम, तो हेलोजन होता है जैसे क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सबके, सेवन, जो भी हेलोजन होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन होगा, चाहे वो क्लोरीन हो चाहे वो फ्लोरीन हो चाहे वो ब्रोमीन हो चाहे वो आयोडीन हो, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, एक पीरियड के सेम होंगे, 17 ग्रुप है तो सबका सेवन। अब इसमें कोई चार्ज नहीं है ना प्लस ना माइनस। अब इसमें नंबर ऑफ देखो, ये मोनोवेलेंट एटम कौन से होंगे जिनकी वैलेंसी वन है, तो फ्लोरीन इज मोनोवेलेंट, तो कितने हो गए फाइव, तो सेवन प्लस 5 means 12, तो Z is equal to 6. अब मुझे बताओ लोन पेयर कितना आएगा, लोन पेयर इज, हाँ वेरी गुड आदित्य सार्थ, आदित्य मयकर, अनुजा विदुला, वेरी गुड। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जेड माइनस राउंडेड एटम, जेड कितना हो गया 6, और सराउंडेड एटम इसके बाहर कितने हैं टोटल 5, तो 6 माइनस 5 means 1, तो लोन पेयर इज वन, एंड बॉन्ड पेयर इज, बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, लोन पेयर वन है और बॉन्ड पेयर फाइव। अब बताओ इसका स्ट्रक्चर, फास्ट स्ट्रक्चर शेप बताओ, वेरी गुड अदिति आनंद, फास्ट रिप्लाई करना है पार्ट आयुष, बिल्कुल सही आंसर है, और इसके अलावा विदुला और श्रुति ईशा अंश गांधी बिल्कुल सही है।
तो फास्ट होना चाहिए, लर्न होना चाहिए टेबल आपको। वैभवी सही आंसर है। ये पूरा का पूरा टेबल आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। पृथ्वीराज, अनुजा, बिल्कुल सही। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था देखो कि जब भी आप इसे क्वेश्चन को करोगे, अब देखो 5-1 का आंसर हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर कैसे बनेगा, देखो सीएल बीच में रखो, स्क्वायर बना दो पहले 1, 2, 3 एंड 4, दिस इज स्क्वायर। पिरामिडल का मतलब एक एफ ऊपर हो गया, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर नीचे हो। ओके पार्ट तभी बताता हूं आंसर आपको, ये आपका आंसर हो गया, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिडल, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। क्वेश्चन आंसर मेन है, मैंने आपको पहले ही कहा था यही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे किसी भी जगह पे, ये क्वेश्चन आएंगे। थ्योरी नहीं पूछी जाएगी आपसे कि आप डिफाइन करो, आप इसे ये बताओ, आपको क्वेश्चन आंसर ही दिए जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट इसमें, एनी डाउट? तो नेक्स्ट देखो, ये सारे क्वेश्चन आपने मुझे लिख के भेजने हैं, आज और कल का टाइम है आपके पास, कल तक आप मुझे भेजोगे। ठीक है, एक और बता देता हूँ फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, XeO2F2। ये मैंने आपको कल पहले भी बताया था XeO2F2, इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा, पहला वाला। जनरली जो पहले दिखेगा आपको वही सेंटर होता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, देखने से आप पता लगा सकते हो जो पहले दिख रहा है। हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन कई बार पहले दिखता है पर हाइड्रोजन को हम लेते नहीं है। वेरी गुड सार्थ। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो सबसे पहले मुझे निकालना है जेड। जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जिनोन के 8 अभी कहा था हमने, और इसमें कोई चार्ज नहीं होता है तो चार्ज को हटा दो आप लोग। अब नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, फ्लोरीन इज अ मोनोवेलेंट एटम, तो फ्लोरीन यहाँ पे 2 है तो +2। ऑक्सीजन को हम काउंट नहीं करेंगे। हाँ वेरी गुड आदित्य। अब देखो क्या होगा, 8 + 2 = 10, 10 / 2 मीन्स 5, तो जेड की वैल्यू 5 हो गई। अब यहाँ पे लोन पेयर कितना होगा, लोन पेयर के लिए होता है जेड माइनस सराउंडेड एटम, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और सराउंडेड एटम कितने हो गए देखो, 2 + 2 = 4। वेरी गुड पृथ्वीराज। तो ये 5 - 4 मींस 1। अब कौन सा ऐसा कंपाउंड कैसे बनेगा, लोन पेयर 1 है एंड बॉन्ड पेयर इज 4, क्योंकि टोटल 5 है तो इन दोनों को प्लस करके 5 आना चाहिए। हाँ वेरी गुड आनंद कर्माकर। और कोई, अंश गांधी सही, 4-1 मिट कर गए, सार्थ सही है, आदित्य सही है, 4-1 का, श्रुति सही है, अद्वैत, आयुष, अंश गांधी बिल्कुल सही। फिर से बता देता हूं देखो आपको, पार्थ पाटिल सही आंसर है। तो करना क्या आपको, देखो 4-1 को आपको दिमाग में होना चाहिए, सीसॉ आपको बताया था मैंने, सीसॉ के लिए जिनोन को यहाँ रखो, देखो जिनोन के बाद हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड, फ्लोरीन, फ्लोरीन और यहाँ पे लोन पेयर, दिस इज कॉल्ड सीसॉ। देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5, एक लोन पेयर होगा, दिस इज कॉल्ड सीसॉ। क्लियर है, इज इट क्लियर? अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, देखो कोई डाउट है किसी को तो जल्दी पूछ लो, अदरवाइज क्या हो रहा है, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। हाँ मनाली, NH2 या तो प्लस होगा या माइनस होगा, वो NH2 माइनस है या NH2 प्लस है, ठीक है, तो वो NH2 या तो प्लस में होगा या NH2 माइनस में, NH2 प्लस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके ठीक है, तो वो गलती से अगर आपने NH2 लिखा है तो वो NH2 माइनस होगा। अब फिर से लिखो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, अब क्वेश्चन लिखो आप, प्रिडिक्ट द शेप ऑफ, प्रिडिक्ट द शेप ऑफ, ठीक है, प्रिडिक्ट द शेप ऑफ, अब ये मेरे को आंसर चाहिए पूरे के पूरे, ठीक है, प्रिडिक्ट द शेप ऑफ। आप पहले से मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से, फर्स्ट इज BBr3, सेकेंड इज
बी ई एफ फोर, और ऊपर मैंने लिख दिया इसमें टू माइनस। थर्ड वन इज सी सी एल फोर, फोर्थ वन इज सी एच थ्री माइनस, सी एच थ्री माइनस। फिफ्थ वन इज सी एल टू ओ, सी एल टू ओ। सिक्स वन इज एस बी पी सी एल थ्री कर देते हैं। सिक्स वन इज पी सी एल थ्री। सेवन वन इज आई पी आई फाइव। एट इज एट वन इज एस बी एफ फाइव, एस बी एफ फाइव। नाइन्थ वन इज, जितना देखो प्रैक्टिस करोगे आप लोग, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पहले ही बता रहा हूं मैं कि अगर आपने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करी वो ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा। जो स्टूडेंट प्रैक्टिस ज्यादा करेगा उसको लर्न जल्दी होगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा या कम करेगा उसको लर्न क्या होगा, कम हो पाएगा। आई सी एल टू माइनस, आई सी एल टू माइनस, इसे लिख लो एक बार जल्दी से। ठीक है, तो क्या होता है, प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि नॉलेज आपने पढ़ा, वो पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन आंसर करने बैठोगे तो आप बोलोगे हमें से कुछ क्वेश्चन हो ही नहीं रहे, क्योंकि प्रैक्टिकल ही चीज अलग है और थ्योरेटिकल चीज अलग है। ठीक है, टुडे 20 या